हिंदू धर्म के रीति रिवाज और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी के बाद यानी 23 नवंबर से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। वैवाहिक आयोजन सहित तिलकोत्सव, सगाई, कंछेदन जैसे सभी मांगलिक कार्य के कई लग्न और मुहूर्त पंचांग के अनुसार नवंबर के महीने में हैं। देव उठनी एकादशी से शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान जाग गए, आप देव उठनी से शुभ मुहूर्त हो गए, और देव उठनी से आप जैसे घर का निवारण करना हो, घर का निवारण करने का मुहूर्त विशेष मुहूर्त हो जाता है, गृह आरंभ मुहूर्त हो जाता है, विवाह का मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा, मांगलिक कार्य लड़की लड़के के जो है मंगल कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, विवाह का मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा, शादी विवाह के इत्यादि जितने मुहूर्त हैं सब देव उठनी से प्रारंभ हो जाएंगे, और ये मुहूर्त विशेष दिसंबर और नवंबर तक रहेंगे। आप तो सबसे प्रथम विवाह नवंबर में आपके जो है 28 नवंबर के बाद आपके जो है 29 नवंबर, इन मुहूर्तों में कंछेदन का भी मुहूर्त है। जैसे 28 नवंबर हो गया, 25 नवंबर हो गया, 25-28 नवंबर को आप कंछेदन कर सकते हैं। व्यापार अन्नपाशन का मुहूर्त जो है, अन्नपाशन का भी मुहूर्त आपके नवंबर और दिसंबर में है। जैसे किसी बच्चों के अपने को अन्नपाशन भोजन ग्रहण करवाना है, उसका भी मुहूर्त है 22 नवंबर, 27 नवंबर, 23 नवंबर। वाहन खरीदने का भी मुहूर्त है नवंबर दिसंबर में। वाहन के मुहूर्त के बाद विशेषता जो है इस महीने में लोग विवाह का मुहूर्त पहुंचते हैं, क्योंकि मांगलिक कार्य देव उठने से जो कार्य रुके रहते हैं उस कार्य को मांगलिक कार्य करते हैं। दिसंबर तक जो है विवाह के कार्य होंगे, फिर इसके बाद विवाह के कार्य कुछ दिन के लिए रुके रहेंगे, एक महीने के लिए, फिर पुनः विवाह का जो कार्य है आपके प्रारंभ हो जाएंगे।